आंदोलन था जिसके द्वारा एक अलग या खास तरह की राष्ट्रीय भावना को जागृत करने का काम करना था। तो आर्टिस्ट एंड पोएट्स क्रिटिसाइज द ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन एंड साइंस, जो कलाकार थे और जो कवि थे उन्होंने जो साइंस यानी विज्ञान, विज्ञान में हर चीज़ किस पे आधारित होती है, रीजंस पे आधारित होती है, कारणों पे आधारित होती है, हर क्वेश्चन जो है वाई पे आकर के अटक जाता है, ये चीज़ क्यों हुई। तो इस चीज़ की उन्होंने आलोचना की थी। क्या चाहते थे कि ध्यान किस पे दिया जाए, इमोशंस पे, यानी लोगों की भावनाओं के ऊपर ध्यान दिया जाए, लोगों की इंट्यूशंस पे ध्यान दिया जाए, लोगों के तर्क वितर्कों पे ध्यान दिया जाए, और मिस्टिकल फीलिंग्स यानी जो धार्मिक भावनाएं हैं उनको ध्यान में रख करके राष्ट्र भावना को लोगों के अंदर जागृत किया जाए। दिस एफर्ट वॉज मेड टू क्रिएट अ सेंस ऑफ अ शेयर्ड कलेक्टिव, ये कोशिश क्यों की गई, ताकि जो लोगों के अंदर जो कई सदियों से चीज़ों को इकट्ठे करने की जो भावना थी उसको और बढ़ाया जा सके। कॉमन कल्चर पास्ट यानी कई सदियों से जो लोग रीति रिवाजों को मानते चले आ रहे थे, वो जो प्रतिक्रियाएं थी, वो गतिविधियां थी, वो जारी रहें, वो बंद ना होने पाए एज अ बेसिस ऑफ नेशन। अगर हमें राष्ट्र को आगे बढ़ाना है, इफ़ वी वॉन्ट दैट आवर नेशन शुड बी द बेस्ट ऑफ इन द वर्ल्ड, हमारा राष्ट्र अगर विश्व में अच्छा हो तो उसके लिए हमें राष्ट्र को ध्यान में रख करके सारी कामों को करना पड़ेगा। हमें ध्यान हर चीज़ में राष्ट्र को पहले रखना होगा, राष्ट्र की में हर चीज़ को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। थे 1744 में इन्होंने दावा किया कि हमें अगर वास्तविक या सच्चे जर्मन सभ्यता को विकसित करना है तो हमें साधारण लोगों के बीच में जाना होगा, क्योंकि वो जो ये साइंस की फिलॉसफी थी या जो विज्ञान का महिमा मंडन था या जो तर्क वितर्क थे उससे ये संतुष्ट नहीं थे। वो चाहते थे कि सब कुछ जो किस्में हो ये हमारा ध्यान जाए हमारे लोगों के अंदर, साधारण लोगों के अंदर सभ्यता का विकास होना चाहिए। एंड हाउ दिस कॉमन पीपल विल हेल्प टू ग्रो द नेशनलिज्म, अब ये साधारण लोग किस तरह से जो है नेशनलिज्म को ग्रो करने में हेल्प करेंगे। सो दिस कैन बी ग्रो विद द हेल्प ऑफ द फोक डांस, फोक सॉन्ग एंड ऑल द रीजनल एक्टिविटीज, जो भी क्षेत्रीय गतिविधियाँ होती थी उसके द्वारा जो है हम राष्ट्रवाद की भावना को जागृत कर सकते थे। सो इन द एंशियंट पीरियड ऑल्सो पीपल हु वर इलिटरेट, हाउ द पीपल यूज टू सेंड देयर मैसेज अमंग देम, उनके बीचों में लोग संदेश कैसे भेजते थे विद द हेल्प ऑफ द कैलेंडर, जो कि हम आगे जब नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ेंगे तो उसमें ये सारी चीज़ें दी गई। भारत में भी राष्ट्रवाद को किस तरह से जगाया गया था, जो लोग अशिक्षित थे, जो पढ़े लिखे नहीं थे, उनको जो है चित्र के माध्यम से, तस्वीरों के माध्यम से, प्रतिमाओं के माध्यम, पोर्ट्रेट के माध्यम से जो है लोगों को राष्ट्र भावना या राष्ट्र के प्रति जगाया गया था, राष्ट्रवाद, राष्ट्र के प्रेम के प्रति प्रेम को जागरूक किया गया था। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि एक साधारण व्यक्ति के साथ ही रह करके उसको जागृत किया जा सकता है, उसको डेवलप किया जाता है, उसको इंक्रीज किया जाता है। सो वी मस्ट कीप दिस थिंग्स इन द माइंड ऑल्सो। एंड वन मोर थिंग इज देयर, द CBSE बोर्ड हैज़ brought some changes in the sample paper of class 10th. Class 10th के sample paper में कुछ changes आ गए हैं. So one description will be given in this video in the form of a link. उसको link के रूप में दे दिया जाएगा. आप उस link से जो है उस sample paper को download कर लीजिएगा और उसको जो है उसमें शामिल कर लीजिएगा, उसको पढ़िएगा. Then it will be very helpful for your board examination. So till now we came to know that folklore used to play an important and essential role for the development of the nation or for the building of the nation. किसी भी राष्ट्र को बनाने के लिए हमारा जो लोक नृत्य है, साहित्य है, ये कहानियाँ हैं, ये अहम भूमिकाएँ निभाती हैं और ये ज़रूरी भी है. नेक्स्ट फोकस वॉज, दूसरा जो ध्यान दिया गया मेड वो थी वर्नाकुलर लैंग्वेज यानी रीजनल भाषाएं, हम की क्षेत्रीय भाषाएं, एंड कलेक्शन ऑफ फोकलोर यानी लोक संगीत को इकट्ठा करना, वॉज नॉट जस्ट टू रिकवर एंड नेशनल स्पिरिट. ये केवल इसीलिए नहीं था कि हमें राष्ट्र के प्रति जो प्रेम है वो लोगों के अंदर जगाना है, बट इसका एक और उद्देश्य था. वन मोर एम वॉज देयर टू कैरी द मॉडर्न नेशनलिस्ट मैसेज टू लार्ज ऑडियंस, यानी जो राष्ट्रवादिता को एक आधुनिक रूप दिया जाना था, तो जो आधुनिक रूप दिया जाना था उसके लिए क्या जरूरी था, ऑडियंस.
तो सपोज यू गो टू सी द मूवी, हम पिक्चर देखने जाते हैं तो उसके लिए क्या जरूरी है, ऑडियंस है। कहीं पे स्कूल में प्रोग्राम होता है तो उसके लिए बच्चों का रहना जरूरी है, ऑडियंस जरूरी है, पेरेंट्स जरूरी है। इसी तरह से व्हेन नेशनलिज्म हैज़ टू बी ग्रोन, अगर कहीं पे भी राष्ट्रवाद की भावना को जगाया जाना है, देन द पब्लिक ऑफ दैट कंट्री इज ऑल्सो कंपल्सरी, उस देश के नागरिकों का होना भी जरूरी होता है। तो इसलिए जो मॉडर्न नेशनलिस्ट का जो मैसेज था, जो संदेश था, उसके लिए भी क्या जरूरी थी, ऑडियंस की जरूरी थी, हु वर इलिटरेट। लेकिन क्या था, द ऑडियंस क्या थे, वहाँ के जो लोग थे, वहाँ के जो दर्शक थे, वो इलिटरेट थे, अशिक्षित थे। और मुख्य तौर पे अगर देखा जाए तो पोलैंड के केस में क्या हुआ था, विच हैड बीन पार्टीशन एट द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी, जिसको कि विभाजन कर दिया गया था 18th सेंचुरी के अंत में बाई ग्रेट पावर्स, उस समय की महान ताकतों के रूप में जो देश जाने जाते थे, दोज वर रशिया, प्रशा एंड ऑस्ट्रिया। सो इवन दो पोलैंड नो लॉन्गर एग्जिस्टेड एज एन इंडिपेंडेंट टेरिटरी, तब तक भी जो पोलैंड था उसके बावजूद भी एक स्वतंत्र क्षेत्र के रूप में नहीं जाना जाता था। नेशनल फीलिंग्स वर केप्ट अलाइव थ्रू म्यूजिक एंड लैंग्वेज, लेकिन लोगों के अंदर राष्ट्र की भावना को जीवित रखने के लिए या लोगों की जो फीलिंग्स हैं, जो भावनाएं हैं, जो समझने की शक्ति है, उसको जीवंत करने के लिए, उसको जागरूक करने के लिए किसका सहारा लिया गया, संगीत का और भाषा का। यानी जो संगीत और भाषा होती है वो किसी भी देश के लोगों को बांध के रखने में, बॉन्ड करने में, लोगों को यूनाइट करने में दे यूज़ टू प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। ये हमेशा एक जो है अहम भूमिकाएं निभाते हैं, फॉर विच वी हैव टू डू फेस द स्ट्रगल आल्सो, जिसके लिए हमें संघर्ष को भी झेलना पड़ता है। एंड देयर वॉज एन फिलोसफर वी कैन से, वो थे कि कैरोल कुर्पिस्की, हु हैज सीन द नेशनल स्ट्रगल्स ऑल्सो। उसने ओपेरा संगीत में ही ऑल्सो एक्सप्लेन्ड द नेशनलिज्म और जो राष्ट्र की भावना थी उसको अपने संगीत के जरिए, विच वॉज कॉल्ड ओपेरा, जिसको कि ओपेरा कहा जाता था, उसके द्वारा उन्होंने व्यक्त किया। और जो माजुका जैसे लोक नृत्य थे उसको जो है नेशनल जो सिंबल्स होते हैं उनमें उनको चेंज कर दिया गया। एंड एक और कहानी है इसमें जो आपके सोर्सेज में दी हुई है, जो प्रिय बंधुओं की कहानी होती है, प्रिय जिनका कि जन्म 1785 और 1786 में हुआ था, और इनका जन्म हुआ था जर्मनी के हनाउ शहर में। हनाउ शहर में जब जन्म हुआ था, ये दोनों बोथ द ब्रदर्स वर स्टडिंग द लॉ, ये दोनों भाई कानून की पढ़ाई कर रहे थे। और उस समय भी इन्होंने क्या किया था, एज अ उसको कह लीजिए आप शौक के तौर पे, एज अ पैशन, उन्होंने लोक कथाओं को इकट्ठा करना शुरू किया था। दे स्टार्टेड कलेक्टिंग द फोक लोर, फोक सॉन्ग्स, और आफ्टर दैट 6 साल तक दे कीप ऑन डूइंग सेम थिंग, गोइंग टू वन विलेज टू अनदर विलेज, एक गांव से दूसरे गांव जा करके इन दोनों भाइयों ने इन लोक कथाओं को जो है इकट्ठा किया है। एंड 1812 में इन्होंने क्या किया था, दे पब्लिश्ड एंड कलेक्शन, इन्होंने एक संग्रह प्रकाशित किया। और बाद में दोनों भाइयों ने उदारवादी जो लिबरल नेशनलिज्म है उसमें इन्होंने दे प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल, इन्होंने अहम भूमिकाएं निभाई थी। इन 31 एन आर्म्ड रिबिलियन अगेंस्ट रशियन रूल टुक प्लेस विच वॉज अल्टीमेटली क्रश्ड। 1831 में क्या हुआ, एक सशस्त्र विद्रोह हुआ, किसके खिलाफ, रशियन रूल के खिलाफ, क्योंकि जो रशिया का रूल था उससे लोग खुश नहीं थे। अब रशियन रूल के खिलाफ जब ये विद्रोह हो गया, विच टुक प्लेस विच वॉज अल्टीमेटली क्रश्ड, लेकिन उसको क्या हुआ, रशिया के लोगों ने इस विद्रोह को, लोगों के इस सोच को कि हम रशिया के लोगों को दबा देंगे, उनका शासन हट जाएगा, तो इस चीज़ को उन्होंने दबा दिया। वो आफ्टर दिस मैनी मेंबर्स ऑफ द क्लैरिजी इन पोलैंड बिगैन टू यूज लैंग्वेज एज वेपन ऑफ नेशनल रेजिस्टेंस। अब इस विद्रोह के बाद क्या हो गया, यहाँ पे उस अनेक सदस्यों ने, अब इसके अनेक सदस्यों ने जो भाषा थी उसको अपना हथियार बनाया। इसका नतीजा क्या हुआ, जो पादरी थे यहाँ पर, जो क्लैर्जी थे पोलैंड वगैरह में, उन्होंने भाषा को एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। किस लिए, राष्ट्रीय जो भावना थी, जो राष्ट्र के प्रति लोगों का प्यार था, और उसको जो है राष्ट्र विरोध के लिए
इन्होंने इसको शुरू करना है। किसी भी चीज़ को एज अ प्रोटेस्ट अगर दिखाना हो, अगर लोगों का विद्रोह अपना रोष दिखाना, अपना गुस्सा दिखाना हो, तो किसका इस्तेमाल किया गया? लैंग्वेज का इस्तेमाल किया, भाषा का इस्तेमाल किया। नाउ द पोलिश वॉज यूज फॉर चर्च गैदरिंग्स एंड ऑल रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। अब पोलिश भाषा का इस्तेमाल किस लिए किया जाता था? जितनी भी जो पादरियों की सभा होती थी या जो जो भी सभाएं वगैरह होती थी या धार्मिक जो संगठन होते थे, कोई भी समारोह होता था, तो इस कोई भी आदेश देना हो, चाहे वो धार्मिक धर्म को लेकर के हो या पादरियों को कोई संदेश लोगों तक पहुंचाना हो, तो उसमें किस चीज़ का इस्तेमाल किया गया? पोलिश भाषा का इस्तेमाल किया गया। एंड आफ्टर दिस प्रोटेस्ट, जब कभी भी ये प्रोटेस्ट होता था, तो जो पादरी या बिशप्स होते थे उनको द रशियन पीपल स्टार्टेड थ्रोइंग देम इनटू द प्रिजन, उनको जेल में डालना शुरू कर दिया, उनको साइबेरिया वगैरह भेज दिया जाता था अगर कोई उनकी बात को नहीं मानता था। उससे क्या हुआ कि आफ्टर दैट द पीपल हु यूज टू रिफ्यूज टू हैंडल द और इन्वॉल्व द रशियन लैंग्वेज इन देयर डेली लाइफ, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में या वैसे भी वो रूस की किसी भी चीज़ों का अगर अगेंस्ट जाता था, तो उसको या तो जेल भेज दिया जाता था या साइबेरिया भेज दिया जाता था। सो दिस वॉज द इस तरह से जो रशियन जो फोर्समेंट था, जो रशियन रिबेलियन था, ऑक्यूपेशन था, उसको द पीपल स्टार्टेड सीइंग देम एज अ अप हेवल, उसको विद्रोह की तरह से लोगों ने देखना शुरू कर दिया। तो ऑल दिस वॉज द टॉपिक्स फॉर द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड द नेशनल फीलिंग। आवर नेक्स्ट टॉपिक विल बी इन द नेक्स्ट वीडियो, दैट इज हंगर, हार्डशिप एंड द प्रोटेस्ट अप हेवल्स। इसमें भी जन विद्रोह हुआ, पब्लिक रिवोल्ट हुए, इस दैट टॉपिक विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू, एंड इफ यू लाइक द वीडियो please hit the subscribe button and like also, and share this video to your friends so that they can also be benefited. Thank you.